Hello, Assalamualaikum, हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्त कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, आप मुझे बताएं कैसे हैं? मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त तब्सो। जी दोस्तों, तो आप सब की जानिब से जो हमारी फेसबुक पेज पे जो वीडियोस पे या लाइव शो पे आपकी सबकी जानिब से कमेंट्स में बार बार चीनी जबान सीखने के बारे में पूछा है। आपकी दिलचस्पी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों न आज की इस लाइव शो के दौरान आपको चीनी जबान के कुछ अल्फाज सिखाने की कोशिश की जाए। आपका क्या ख्याल है? आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और दोस्तों, मैंने साल 2007 में उर्दू ज़बान सीखना शुरू की थी और पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त मुल्क है और मुझे पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू सीखना और बोलना बेहद अच्छा लगता है। यही मेरे उर्दू ज़बान सीखने की वजह है। इसीलिए मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको कुछ चीनी ज़बान सिखा सकूँ। वो अल्फाज या जुमले जो आप चीनी जबान में बोलना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो बेशक मुझे कमेंट्स में बताएं। इस लाइव शो के आखिर में मैं कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट्स का जवाब दे दूंगी। और मेरा ख्याल है कि अब हम कुछ बुनियादी चीनी अल्फाज से शुरू करते हैं। आपका क्या ख्याल है? जो जैसे पाकिस्तान में कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, ये सलाम देने के लिए है। तो क्या आपको पता है कि चीनी जबान में कैसे कहते हैं? चीनी जबान में नी हाओ कहते हैं, नी हाओ, अस्सलामुअलैकुम। मैंने कुछ तैयारी भी की है। आपको साफ साफ देख सकते हैं जो ये मेरी दाईं तरफ है, ये चाइनीज लफ्ज है और फिर ये जो तल्फुज़ है मैंने उर्दू में लिखा है, नी हाओ, अस्सलामुअलैकुम, नी हाओ। और मैंने कमेंट्स में भी देखा है कि हमारे दोस्त ने पूछा है कि शे शे उर्दू में का क्या मतलब है। शे शे जी, ये जो शुक्रिया अदा करने के लिए चीनी जबान में शे शे कहते हैं, शे शे। सलाम करने के लिए नी हाओ, नी हाओ। और शुक्रिया अदा करने के लिए सिए सिए, सिए सिए कहते हैं। जी, क्या आपने सीखा है? और मेरा ख्याल है कि शायद बहुत से दोस्त ऐसे अल्फाज से वाकिफ हों, ताहम चाहे उर्दू जबान हो या चीनी जबान, जो वक्त गुजरने के साथ साथ जबानों में भी तब्दीली आती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आपको कुछ न कुछ जदीद चीनी अल्फाज से भी आगाह करने की कोशिश करूँ। आपका क्या ख्याल है? जो आपकी राय है, आपका ख्याल है या आपकी तजवीज़ है, आप बेशक कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि आपकी पसंद की रोशनी में मज़ीद अच्छे प्रोग्राम शुरू किए जाएं। और अगर आपको चीनी जबान सिखाने का ये प्रोग्राम पसंद आया तो मैं कोशिश करूँगी कि इसे जारी रखे जाए। और मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर ये जानना चाहते हैं कि चीनी जबान में पाकिस्तान कैसे कहते हैं। पाकिस्तान दरअसल इसका तल्फुज़ है जो पाकिस्तान से मिलता है चीनी जबान में। चीनी जबान में पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है। मैंने एक पेपर पे लिखा है पाकिस्तान।
Su name dal food jo Pakistan se mil da jo da hai. Pa ji si tan. Pa ji si tan. Ye jo Chinese zubaan mein Pakistan aisa kehte hain. Pa ji si tan. Aur kya aap jante hain ki jin mein Pakistan hyun ko kya kaha jata hai? ये चीनी ज़बान में एक नया लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ ख़ुसूसी तौर पर हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़ पा थे मैंने भी लिखा है पा थे पा दो पाकिस्तान ही है थे का मानी फ़लाद铁干嘛呢 ？Flat， 意思里也巴铁干嘛的了呗 ？Flat 的牌，这是 English 里 Iron Brother 给他讲的嘿。因为我们 अक्सर कहते हैं कि बाजीं दोस्ती पहाड से बुलंद समंदर से गहरी और फ्लैट से मजबूत है。इसी लिए चीनी ज़बान में हमारे अजीज पाकिस्तानी दोस्तों को巴铁个哈家大海，巴铁，巴铁，巴铁 ，Aaron brother 嘿，आप सोचते हैं कि जिन्ही लोग अपने पाकिस्तानी भाइयों से कितना प्यार करते हैं? जब भी कभी चीन को मुश्किलात का सामना हुआ, तो पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है。चीन में वबा फूटे ही पाकिस्तान ने तो सबसे पहले एकजहती का इजहार किया और फौरी तौर पर टीपी साजो सामान चीन पहुंचाया था तो चीन बा दोस्ती का ये जज्बा चीनी लोगों को बहुत मुतासर करता है और चीन के मकबूल तरीन सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के हवाले से मौजूद अक्सर बहुत मकबूल हैं लोग कमेंट्स में पाकिस्तानी दोस्तों से एहतराम और मोहब्बत का इजहार करते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि वो कहते हैं पा थे सिए सिए या सिए सिए पा थे अगर अभी आपने सुना है आप जरूर जानते हैं कि सिए सिए का मतलब क्या है सिए सिए का मतलब शुक्रिया और पा铁干嘛的了？拍给也就一个那样子你 loves 嘿，就呼苏西多尔巴尔哈马的aziz bagisani dostong 给也 istimal 好大嘿。巴铁，他们今年 log up 呢 bagisani dostong 给也 istimal 给得很，嘛的了 ，Pakistan 哈马拉佛拉的派嘿，都加 up 呢是卡嘿，也 loves。巴铁 ，OK， 阿哈姆扎里达克，阿古什萨达奥法斯梅阿古西卡纳加洪吉阿尔古什，这些句子就阿姆布罗斯马拉人的基面包加得很，马斯人斯拉姆格内格巴德，就巴吉格内格多朗亚克什格多朗，古什苏阿拉德基加得很，阿卡南加嘿。हम अक्सर ऐसे बातचीत करते हैं आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है नी जाओ शम मो मिंग जी नी मतलब है कि आप और तुम शम मो मिंग किया名字 name 이슬리에 아빠 남 क्या है 진이 메 इस तरह कहते हैं 니 叫 什么 名字 니 叫 什么 名字तो ये सवाल करने के बाद आप अक्सर अपना नाम बताएंगे तो उर्दू में जैसे मैं कहती हूँ मेरा नाम
the song hai. Isse jinni zubaan mein yung kahenge. आप देख सकते हैं, 我叫 Dubsum， 我叫 Dubsum， 我 means man， 叫mera naam Dubsum hai。या आप अगर आप जवाब देते हुए आप अपना नाम ले सकते हैं， 我叫फ्रॉम फ्रॉम。फिर आप अगर कहेंगे कि मेरा दारुग पाकिस्तान से है तो इसे चीनी जबान में ऐसे कहेंगे 我是巴基斯坦人我 means man 是I am 是巴基斯坦अभी आपने आपको बताया है कि पाकिस्तान को चीनी जबान में कैसे कहा जाता है पाकिस्तान पाकिस्तान है 我是巴基斯坦人 means I'm Pakistani मेरा दारुग पाकिस्तान से है 我是巴基斯坦人और अगर मैं कहती हूँ, मैं कहूँगी कि 我是中国人 जी, Chinese 的包面 China, 金中国कहा जाता है 中国中国इसी लिए मैं कहती हूँ कि 我是中国人我是中国人而आप कह सकते हैं कि 我是巴基斯坦人या इस तरह आप जो मुख्तलिफ शहरों का नाम ले सकते हैं जैसे मसलन कराची लाहौर इस्लामाबाद वगैरह जैसे मैं मेरा दारुग तो बीजिंग से है इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि 我是北京人 और अगर आपका दारुग इस्लामाबाद से है आप कह सकते हैं कि 我是伊斯兰堡人哦इस्लामाबाद का नाम थोड़ा सा लंबा है एक और मिसाल दे दो कराची 我是卡拉奇人या लाहौर 我是拉合尔人ऐसे हैं आप तो मुख्तलिफ शहरों का नाम भी ले सकते हैं OK अब मैं आपको 1 से 10 तक कितनी सिखा जाऊंगी क्योंकि जब आपको मार्केट में कोई चीज खरीदना हो तो कीमत का पता इस वक्त चल सकता है जब आपको कितनी हो जब आपको कितनी आती हो तो मेरे साथ आप भी शामिल हो मैंने ऐसे भी बना है यहाँ मैंने नंबर लिखा है और इसके इसके साथ साथ मैंने जो उर्दू जबान में इसका तकलूफ भी लिखा है हम शुरू करते हैं एक से वन ई ई ई ये बहुत आसान है और आर दो दो आर आर ये शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है जैसे उर्दू में रे मेरे लिए भी मुश्किल है ओके आगे तीन सन 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 आगे सी सी चार चार सी सी और ओ सॉरी पांच पांच जिनी में ऊ ऊ कहते हैं
五而且和六个的而且sat seven 和七个的 Chinese 没七个的而 art 你是不是阿桑还八这是 Pakistan 八九 no 九 no or does 十 does 十 the number 都 yehindak ya apne sikha hai agar apne nahi sikha phir aap bar bar meri video dekh sakte hain taki aap bol sakte hain jinni zubaan okay ab kuch aam alfaz ki taraf aate hain masalan pani ko jinni mein shui kehte hain shui jinni yani sugar ye zhongguo nahi hai sugar sugar jinni mein tang kehte hain aur dut ko jinni mein niu nai kehte hain牛奶给的很牛奶牛奶也读的OK 我们来把把你的水sugar 皮的糖读的皮的牛奶皮的我们给本来是给的加的给不的在给本地个 Chinese 们，茶叶给的很，加爱都茶嘿，加爱个茶给的很 Chinese 们，譬如说，Pakistan 们也说，不算地大，给些给的很，不算地大，比那个几菜也，加爱嘿，他们 Chinese 们给的很奶茶。means 在给 body 给啥啥 dud our sugar 啥啥 milk 里也drink 也奶茶给得很 ，OK 也都好给很 ，I'm alfaz our entire life show 给多人故事呢，就咧 our 故事呢 alfaz 咩 abgo 是开下个容易 ，ab 咩 abgo 金咩。बोले जाने वाले कुछ नए अल्फाज के बारे में भी बताना चाहूंगी तो दोस्तों जब सोशल मीडिया का जिक्र आता है तो मेरा ख्याल है कि चाहे पाकिस्तान हो या चीन बल्कि सारी दुनिया मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से करीब ताल्लुक है जैसे हम अब मैं जो सोशल मीडिया फेसबुक पर लाइव कर रही हूँ और आप फेसबुक पर ये जो मेरी लाइव देख रही हो इसीलिए सोशल मीडिया से वाबस्ता मुद्दादित नए अल्फाज भी सामने आए हैं चीनी जबान में और इस्तेमाल किए जाते हैं आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि चीनी जबान में एक बिल्कुल नया अल्फाज है जो आजकल जिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज है वांग होंग मैंने भी लिखा है वांग होंग ये लफ्ज आजकल जिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है वांग का मतलब है कि नेटवर्क वांग और होंग का मानी है सुरहरंग और चीनी जबान में होंग का मतलब है कि सुरहरंग के अलावा जो मशहूर होना भी है इसीलिए वांग होंग का मतलब ये है कि नेटवर्क में या जो सोशल मीडिया में जो मशहूर शख्सियत है वांग होंग एक अब चीन में एक नया कैरियर भी बन चुका है जैसे डॉक्टर, 医生,Police, 警察 Ustad, 教师 Adagar, 演员 Wera 网红 P. Egg, Nair Carrier, Ben Jugahe
और वो भाई सुरदे हाल के तनाजेट में जिन्हीं लोग अक्सर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं वांग होंग डाई हो वांग होंग वांग होंग मैंने अभी आपको बताया है इसका मतलब है कि नेटवर्क में या सोशल मीडिया में मकबूल शख्सियात या मशहूर शख्सियात डाई मतलब है कि फरोहत या खरीदारी हो मतलब है मसनुआत वांग होंग डाई हो मतलब है कि सोशल मीडिया पर ये जो वायरल शख्सियात मसनुआत की फरोहत करते हैं या मसनुआत की फरोहत में मदद फराहम करते हैं आप सबको भी ज़रूर अंदाज़ा होगा कि वबा के इक्तिसादी सरगर्मियों पर और तजारती पर गहरे असरात मुर्तिब हुए हैं खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान जो कारोबार बंद हो गए हैं और दुकानें भी बंद हुई इसीलिए दुकानदारों को ये जो अपनी मसनूआत की फरोहत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जिन में भी ऐसे हालात हैं और वबाई सूरत हाल ने जो तजारत को मुतासर किया है ताहम जो चीन में ऑनलाइन तजारत की तरक्की और नेटवर्क की सहूलियात और नगरो हमल की सहूलियात की मदद से जो वबा के दौरान बहुत से ताजर ऑनलाइन तजारत करने लगे ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर वो जो लाइव शो के जरिए लाइव शो के तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं और लोग लाइव शो देखते हुए बुलाए लास्ट अपने मोबाइल फ़ोन से जो अपनी पसंदीदा चीज़ों को खरीद सकते हैं इसीलिए आजकल चीन में खास तौर पर वबा फूटने के बाद वांग होंग डाई हो एक बहुत मकबूल मौजू बन चुका है जो चीन का जनूबी सूबा हुबे और इसका सदर मकाम वुहान शहर कोविड 19 की वबा से शदीद मुतासर हुए थे और जो सूबा हुबे और शहर वुहान की इक्तिसादी सरगर्मियों की बहारी की मदद देने के लिए जो चाइना मीडिया ग्रुप ने सोशल मीडिया पर मकबूल तरीन शख्स यानी वांग होंग के साथ मिलकर लाइव शो किया और सूबा हुबे और वुहान शहर की तैयार करदा मसनूआत की फरोहत में मदद दी जो सिर्फ ऐसे हैं वो दोनों उन्होंने सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही उन्होंने 4 करोड़ RMB की मसनूआत फरोहत की 4 करोड़ 4,000,000 चार अभी हमने सीखा है चार सि जो पाकिस्तान में ये लगम 52 करोड़ से जायद बनती है वाकई एक बड़ी लगम है ना अब चीन के मुख्तलिफ इलाकों की हुकूमतों ने भी जो वांग होंग के साथ ऐसे वांग होंग के साथ ये जो दावन करते हुए अपने इलाकों की तैयार करता मसनूआत की फरोहत शुरू की है ताकि किसानों की आमदन में इजाफा हो और वांग होंग डाई हो अब चीन में इतना मकबूल है कि 80 साल दादी ने भी कोशिश की है मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी आप देखिए ये इसी साला दादी शुमाल मगरिबी चीन में रहती है और वो सोशल मीडिया पर जो खुबानी फरोहत करने में अपने पौधे की मदद करती हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं उन्होंने लाइव शो में खुबानी खाते हुए कहा कि देखिए मेरे दांत भी नहीं लगी मैं ये खुबानी खा सकती हूँ बहुत मज़ेदार है अंदाज़ा करें क्या हुआ दादी की मदद से खुबानी की फरोहत में कई गुना इजाफा हुआ और उनके अलावा दरअसल बहुत से चीनी लोग
ये जो वाहन दाय हो रहे हैं वो इस तरीके से अपने आप पर जो वबा के मनफी असरात को कम करने की भरपूर कोशिश करते हैं और आमदन में इजाफा करने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्या आपने वाहन दाय हो सीखा है? वाहन दाय हो यह एक बिल्कुल नया लफ्ज है। अगर आप भी कारोबार करते हैं शायद आप भी कोशिश कर सकते हैं वाहन दाय हो। जी आप भी सोशल मीडिया पर अपनी मसनूआत की फरोहत की कोशिश कर सकते हैं। जी अब हम देखते हैं कि कमेंट्स में हमारे दोस्तों ने क्या कहा और क्या सवाल किया है। मैं चेक कर रहा हूँ जो कमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नबील साहब, क्या मैंने आपका नाम ठीक कहा कि? अस्सलाम वालेकुम, हेलो कैसे हैं आप? हजरत बिलाल साहब हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ। हम आगे देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप कोई सवाल नहीं है? ये जो कौन सा जुमला या अल्फाज आप चीनी जबान में बोलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या इस प्रोग्राम के हवाले से जो तजवीज़ है, आपकी तजवीज़ है, आपकी राय है, आप बेशक जो कमेंट्स में हमें बताएं। ओ सलीम खान साहब, आपने कहा कि आप चीनी जबान से उर्दू ज़्यादा मुश्किल लिखी है। हाँ चीनी जबान जो उर्दू जबान से मुख्तलिफ है क्योंकि चीनी जबान तो शिकल की जबान है। आप शिकल से अंदाज़ा हो सकता है कि इसका मानी क्या है। जैसे ये लफ्ज़ वांग देखते हैं कि एक नाइट की तरह है। हम देखते हैं कि कोई और सवाल है। सलाम अलैकुम, दाजा हाओ, नी हाओ। तो जो आप इस लाइव शो में मैंने आपको सिखाया है क्या आपने सीखा है जो सलाम करते वक्त चीनी जबान में कहते हैं नी हाओ नी हाओ और शुक्रिया अदा करने के लिए हम कहते हैं सिए 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 सिए। और हमारे अजीज़ और प्यारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए चीनी जबान में एक लफ्ज़ है, एक खसूसी लफ्ज़ है, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह लफ्ज़ क्या है? यह लफ्ज़ है पा थिए पा थिए पा, पाकिस्तान ही है। थिए मीन्स फोलाद लोहा आयरन। तो इंग्लिश में एरन ब्रदर्स कहते हैं कहा जाता है पा थिए। यह लफ्ज़ खसूसी तौर पर हमारे अजीज़ पाकिस्तानी दोस्तों के लिए है। फिर आप जान सकते हैं कि चीनी लोग जो हमारे पाकिस्तानी भाई के लिए कितना प्यार करते हैं। और सिए सिए पा थिए मीन्स पाकिस्तानी भाइयों का शुक्रिया। हम देख रहे हैं जो कमेंट्स में आपका क्या सवाल सवाल है या आपकी क्या तजवीज़ है। नी हाओ नी हाओ, मैंने देखा है कि हमारे बहुत से दोस्त ने यहाँ नी हाओ कहते हैं। आदिल अली साहब जी, इस लाइव शो में मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ न कुछ बुनियादी चीनी अल्फाज सिखाऊंगी और जो इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या तजवीज़ है और
जो हमारा आज का लाइव शो के बारे में अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं और साथ साथ ज़रूर ज़रूर कुछ तजावीज़ भी दें क्योंकि ये जो बहरा प्रोग्राम है चीनी ज़बान सिखाने के हवाले से इसीलिए मुझे आपकी तजावीज़ आपकी राय की ज़रूरत है। हाँ शाकिल जामी साहब आपने पूछा है कि मेरा दारू कहाँ से है। 我是北京人 मेरा दारू बेजिंग से है। और शहजाद अहमद ने पूछा है कि क्या आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। नहीं इस वक्त मैं बेजिंग में मौजूद हूँ। बेजिंग चीन का दारू हुकूमत है। जी अजमल खान साहब ने लिखा है कमेंट्स में लिखा है कि शुक्रिया सिए सिए जी बिल्कुल। ओके तो इसके साथ ही हमारा आज का लाइव शो बस यहीं तक। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर मुझे बताएं और इसके साथ साथ मुझे आपकी तजावीज़ आपकी राय की ज़रूरत है तो आप भी ज़रूर ज़रूर कुछ तजावीज़ भी दें। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ चीनी ज़बान सिखाएं। और दबसों के साथ जदीद तरीन और मकबूल तरीन चीनी अल्फाज सीखिए तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपकी सलामती और खुशहाली के लिए मेरी बहुत सी दुआएं। जय जियन। ओ ये आज का आखिरी चीनी लफ्ज़ है। जय जियन मीन्स बाय बाय खुदा हाफिज़। जय जियन अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।再见。